दोस्तों, यदि आप एक नए स्टूडेंट हो और अभी भी कंप्यूटर सीख रहे हैं, तो आपको एमएस वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट में टाइटल बार, आखिर तीनों के अंदर जब हम सीखते हैं तो टाइटल बार होता है। आखिर टाइटल बार किसे कहती हैं? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के अंदर टाइटल बार किसे कहा जाता है? तो जानने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से क्लास तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर हिंदी। दोस्तों, जब आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सीखते हैं तो टाइटल बार इनमें किसको कहा जाएगा? तो दोस्तों, ऊपर जो दिखाई दे रहा है टॉप में सॉफ्टवेयर के ऊपर, वो टाइटल बार होता है। टाइटल बार आपके एक्सेल में भी होता है, वर्ड में भी होता है, पावर पॉइंट में होता है। तो दोस्तों, टाइटल बार में आखिर होता क्या है? तो दोस्तों, जब आप कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खोले होंगे या कोई डॉक्यूमेंट का नेम होगा, वो टाइटल बार में ही शो होगा। तो दोस्तों, आखिर टाइटल बार में होता क्या है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, टाइटल बार में सॉफ्टवेयर का नेम होता है और दूसरा आपके फाइल नेम होता है। अगर यहाँ पर दोस्तों आप एक्सेल यूज करेंगे तो एक्सेल में आपको टाइटल बार में फाइल का नेम दिखाई देगा एंड यहाँ पर सॉफ्टवेयर का नाम दिखाई देगा। देखिए, स्कूल डाटा शीट 1 एंड सॉफ्टवेयर एक्सेल, ऐसे ही आपको दोस्तों देखने को मिलेगा यहाँ पर टाइटल बार में फाइल का नेम एंड यहाँ पर वर्ड। ठीक है, तो वर्ड इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर सॉफ्टवेयर का नेम है और फाइल का नेम स्कूल डाटा, इस फाइल का नाम है। ठीक है, एंड ऐसे ही आप पावर पॉइंट यूज करेंगे तो पावर पॉइंट में भी यहाँ दिखाई देगा टाइटल में 3D प्रिंटिंग, यहाँ पर टेक्नोलॉजी, फाइल नेमर और यहाँ पर पावर पॉइंट टेम्पलेट खुली हुई है। दोस्तों, कहने का मतलब ये है, जब भी आपको पूछा जाए कि एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या अदर सॉफ्टवेयर के अंदर टाइटल बार किसे कहते हैं, तो यहाँ पर आप टाइटल बार इन्हीं को बोलेंगे। टाइटल बार में दो नेम्स होते हैं, एक फाइल का नेम, दूसरा यहाँ पर सॉफ्टवेयर नेम। अगर दोस्तों आप यहाँ पर न्यू फाइल लेंगे, जैसा कि मैं इस पर न्यू फाइल लेता हूँ, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट बनाएगा क्योंकि यहाँ पर फाइल नेम नहीं दिया। अगर आप सेकंड लेंगे तो डॉक्यूमेंट 2 आएगा। जिस फाइल का आप नेम देंगे वो डॉक्यूमेंट बन या 2 अट के वो फाइल नेम आने लगेगा। ठीक है, तो आपको नेम देना है या नहीं देना है वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो टाइटल बार हम इसको बोलते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा। दोस्तों, इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।